आपने कभी सोचा है कि किसी के हाथ और पैर में ज़्यादा उंगलियों के चलते उसकी जान पर वन आ जा सकती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सामने आया है, जहां पर एक बच्चे के पिता ने पुलिस से गुहार लगाई है कि वह उसके बेटे की जान बचाए, क्योंकि उसके हाथ और पैर में 12-12 उंगलियां हैं और उसके रिश्तेदार उनके बेटे को मारना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस ने कहा कि उन्हें ऐसी शिकायत मिली है और हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। पिता ने पुलिस की दी शिकायत में बताया कि वो अपने परिवार के साथ बाराबंकी में रहते हैं, उनके बेटे के हाथ और पैर में 12-12 उंगलियां हैं। बच्चे के माता पिता ने दावा किया है कि उनके रिश्तेदार उनके बेटे को मारना चाहते हैं, क्योंकि एक तांत्रिक ने उनसे कहा है कि अगर वह इस तरह के बच्चे को मारते हैं तो वो धनवान बन जाएंगे। पिता ने पुलिस की दी शिकायत में ये भी कहा कि हमने अपने बेटे को स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता का कहना है कि हमने इस मामले में पुलिस से भी मदद मांगी है। इस कार्रवाई में बाराबंकी के सीओ उमाशंकर सिंह ने कहा कि हमें इस तरह की शिकायत मिली है, मैं इसमें उचित कार्रवाई करूंगा और उस बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होने दूंगा। वह आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसीलिए जब तक मैं यहां तैनात हूं तब तक उस बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा।